हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों को धारावाही वृत्तकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कैसे प्राप्त करें उसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आप देख सकते हैं कि यह एक वृत्तकार कुंडली है, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि आई धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। इस वृत्त का एक केंद्र होगा, मान लेते हैं वो केंद्र O है, ठीक है, समझ में आया। वृत्त का एक केंद्र होगा। अब इस वृत्त का आप ध्यान देंगे तो एक अक्ष होगा, ठीक है, और इस अक्ष पर आप देखेंगे कि एक बिंदु होगा, मान लेते हैं वो बिंदु A है, ठीक है, और वो जो वृत्त का जो केंद्र बिंदु है वृत्ताकार कुंडली का, उससे x दूरी पर है। अब इस वृत्ताकार कुंडली का जो त्रिज्या है वो a के बराबर है। ये चीजें हम लोगों ने क्या किया, समझ लिया। अब समझिए इस बात को कि इसमें यहां पर एक dl लंबाई है, यहां पर भी एक dl लंबाई है, ठीक है, तो दोनों जगह एक dl लंबाई दिया गया है। तो इस dl लंबाई की वजह से इसमें, क्योंकि जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित हो रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो ये इस लंबाई की वजह से यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से है, वो है हमारा dB, ठीक है। अब ये यहां पर एक ऊपर dl लेंस ले लिया और एक नीचे भी हमने क्या ले लिया, dl लेंस ले लिया। तो यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र जो यहां पर जो उत्पन्न करेगा वो भी क्या करेगा, dB के बराबर ये उत्पन्न करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब ये वाला कोण क्या हो जाएगा, फाई, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, फाई, ये वाला कोण भी फाई फाई के बराबर होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, डीवी को परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, डीबी कॉस फाई, इधर इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डीबी साइन फाई, ठीक, समझ में आ गया। क्योंकि इस डीबी का दो घटक होगा, एक ये हो जाएगा क्योंकि इसके साथ कोण बना हुआ है, तो डीबी कॉस फाई, और इसके साथ कोण नहीं बना हुआ तो डीबी साइन फाई। अब इसका भी, इस डीबी का दो घटक होगा, इसके तरफ ये कितना हो जाएगा, डीबी कॉस फाई, और इसके लंबवत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डीबी साइन फाई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से डीएल से हम लोगों ने बायोट नियम में पढ़ा है कि एक आर होता है, ठीक है, यहां से हम लोग एक आर लंबाई का लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आर लंबाई का हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इस पर लंबवत हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये लंबवत हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ये लंबवत हो जाएगा, ठीक है, यहां पर लंब है। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो डीएल में और ये आर में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर बनेगा। तो चलिए हम लोग ये इंफॉर्मेशन को, ये जानकारी तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहां पर वृत्ताकार जो कुंडली है, चाहे हम लोग इसको लिख सकते हैं कुंडली वृत्तकार, वृत्तकार कुंडली, कुंडली की त्रिज्या, कुंडली की त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वृत्ताकार कुंडली की, वृत्ताकार कुंडली से आई धारा, धारा प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, इसको भी हम लोगों ने लिख दिया, हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप इसको समझ सकते हैं, हमें क्या निकालना है, ए बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डीबी है, ए बिंदु, ए बिंदु
ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र क्या है? डीबी है। ठीक है, ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? डीबी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस ए बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि इसके वजह से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र डीबी है, डीएल लंबाई के कारण, डीएल लंबाई के कारण, इस डीएल लंबाई के कारण ए बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डीबी है, डीएल लंबाई के कारण। ठीक है, हमको यहां पर ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग नेट, मतलब नेट चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। डीबी समझ में आ गया, वो कितना हो जाएगा? 2 dB साइन फाई। यही ना हो जाएगा, डीबी साइन फाई दोनों यदि जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 dB साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेट जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है एक अक्ष पर। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, डीबी नेट, ये हो गया हम लोगों को मालूम है। तो ये किसके वजह से है? 2 dL के वजह से, इसके वजह से और इसके वजह से, 2 dL लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 2 dB साइन फाई है। तो एक के कारण क्या हो जाएगा? तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 2 dL लंबाई के कारण, 2 dL लंबाई के कारण कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है? चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से समझना, चुंबकीय क्षेत्र 2 dB साइन फाई है, 2 dB साइन फाई है। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो 2 dB साइन फाई है 2 dL लंबाई के कारण, तो 1 dL लंबाई के कारण, एक यदि एक के बारे में बात करें, 1 dL लंबाई के कारण, ध्यान दीजिएगा, लंबाई के कारण कितना हो जाएगा? कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हो जाएगा हमारा केवल dB साइन फाई है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो 1 dL लंबाई के कारण कितना हो जाएगा? dB साइन फाई के बराबर। चलिए अब dB साइन फाई को हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग बी नेट बराबर डीबी नेट बराबर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, एक के कारण वो कितना हो जाएगा? डीबी साइन फाई। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर यहाँ पर डीबी होगा कितना। तो हमें पता है, हम बायो स्वार्ट नियम से हम जानते हैं, हमें पता है, क्या पता है? हम लोग जानते हैं कि डीबी बराबर कितना होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई गुने डीएल, ठीक है, डीएल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहां पर आप देखेंगे कि थीटा जो है डीएल और आर के बीच में बनने वाला कोण होता है। तो यहां पर जो कोण बना हुआ है वो किसके बराबर बना हुआ है? 90 डिग्री, क्योंकि डीएल जो है, डीएल और आर के बीच में यहाँ पर जो कोण बना है वो 90 डिग्री के बराबर बना है। तो इस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री के बराबर बन गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डीबी का जो मान होगा वो कितना होगा? म्यू नॉट आई डीएल बटा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यदि हम आपसे पूछे कि एक काम करिए, आप जो है वो साइन, जो साइन फाई, यहां पर आप ध्यान समझना होगा, साइन फाई का मान निकालिए। तो साइन फाई का मान कितना होगा? तो सबसे पहले ये क्या है? ये फाई है, ये दोनों मिलकर कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री। तो ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये 90 माइनस, यहां से यहां तक ये 90 माइनस फाई है ना, और ये दोनों मिलकर कितना कोण बना रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये वाला अक्ष और ये वाला अक्ष 90 डिग्री। तो ये 90 माइनस फाइव है तो ये कितना हो जाएगा? फाइव के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो चलिए हम लोग साइन फाइव का मान रखते हैं। तो साइन फाइव बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आर का मान आपको बता सकते हैं क्या?
आर का मान आप लोग यहां पर समझिए तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। ठीक समझ में आ गया, यहां पर आपको ध्यान समझना होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ण है, ये 90 डिग्री यहाँ पर कोण बना है, ठीक है, एक ऐसा कोण, एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो ये हमारा ए है और ये हमारा एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर साइन फाई का यदि मान यदि हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा लंब और बटा कर्ण, ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा ए बटा आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान समझना होगा। आपके पास दो चीजें मिल गई, आपके पास तो चीजें मिली है, वो ये है कि यहाँ पर साइन फाई का हमने वैल्यू मान निकाल लिया, हमने निकाल दिया डीबी का वैल्यू, ठीक है, दोनों चीजों का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो यदि हम लोग बात करें डीबी नेट का, तो डीबी नेट हमारा कितना हो जाएगा, डीबी नेट सबसे पहले दोनों का वैल्यू यहाँ पर साइन फाई का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग डीबी का भी वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट करेंगे, दोनों यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर मान रखने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, डीबी नेट मिल जाएगा। तो डीबी नेट हमारा कितना आएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग डीबी रखेंगे म्यू नॉट आई डी एल बटा फोर पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया म्यू नॉट आई डी एल बटा 4 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन, साइन यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन यहाँ पर ये डीबी के जगह पर ये रख दिया ये वाला मान। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन फाई, साइन फाई कितना हो जाएगा ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग रख देते हैं ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, इसको आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अच्छा यदि हम बात करें ये रूट के अंदर है, ठीक समझ में आ गई, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका घात जो है एक बटा दो कर सकते हैं क्या, तो वही यहाँ पर भी कर रहे हैं, इसका घात हम लोग एक बटा दो कर दे रहे हैं। अब देखिए आर स्क्वायर का जो ये आर है रूट अंडर ए स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर, यदि हम लोग आर स्क्वायर कर दे तो, यदि आर स्क्वायर का यदि हम लोग मान लाए तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का घात एक, तो वही ये आर स्क्वायर जो है ना दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे तो ये हमारा मान मिल जाएगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पर हम लोग इस मान को रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट आई डी एल, ठीक समझ में आ गया, यहाँ पर आर स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान रखेंगे ए स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर यहाँ पर मान रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर ए बटा ए स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर का घात एक बटा दो कर, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग ए स्क्वायर ए बटा ए स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर का घात एक बटा दो कर दिया, समझ में आ गया। तो जब आप डीबी नेट निकालेंगे तो डीबी नेट आप जब प्राप्त करेंगे तो वो आएगा आपका जानते हैं कितना, म्यू नॉट आई डी एल, म्यू नॉट आई डी एल, ठीक है समझ में आ गया, बटा फोर पाई, बटा फोर पाई यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है समझ में आ गया। फिर हम लोग क्या, इसका घात ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर घात कितना एक, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर घात कितना एक बटा दो, तो ये दोनों का जो आधार है वो समान है, तो आप देख सकते हैं दोनों के घातों को हम लोग जोड़ सकते हैं, तो एक जोड़ एक बटा दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ए स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर का जो घात होगा वो तीन बटा दो हो जाएगा, ठीक है समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, और इधर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है थोड़ा हम लोगों को मिटाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए तो हमारे पास है डीबी नेट, तो डीबी नेट क्या हो जाएगा, डीबी नेट, तो डीबी नेट हमारा कितना आ गया, कितना आ गया म्यू नॉट आई डी एल
म्यू नॉट आइडियल ए बटा फोर पाई ए स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया क्या? पावर कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, आप इस बात को समझ गए। आइए हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग समाकलन करेंगे। तो समाकलन हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ पर जीरो से बी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा डीएल डीएल, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये डीएल डीएल बदलेगा तो क्या वृत्त का जो त्रिज्या है वो बदलेगा क्या? तो जवाब है नहीं, वृत्त का त्रिज्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वृत्त वृत्त के से जो धारा प्रवाहित हो रही वो बदलेगा क्या? तो ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, म्यू नॉट भी नहीं बदलेगा, फोर पाई नहीं बदलेगा। ठीक है, ए भी नहीं बदलेगा, एक्स एक्स भी आप देख सकते हैं कि कितना भी डीएल आप ले लीजिए, ये डीएल लीजिए, ये डीएल लीजिए, ये डीएल लीजिए, ये डीएल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो एक्स है वो सबके लिए समान है। ठीक है, समझ में आ गई। तो एक्स भी बदलने वाला यहाँ पर नहीं है, एक्स जो है यहाँ डीएल से ये दूरी है, केंद्र से यहाँ से इस बिंदु के बीच की दूरी है, तो क्या वो बदल जाएगा? क्या डीएल बदल जाएगी? तो क्या बदल रहा है? केवल और केवल डीएल बदल रहा है, डीएल यहाँ पर क्या है, वेरी करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग समाकलन करेंगे, तो dl को कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई a तक। ठीक, समझ में आ गया, 0 से 2 पाई a क्या है, इसका त्रिज्या है, 0 से 2 पाई a कर देंगे, ये पूरा लंबाई कितना है, 2 पाई a के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, db net। ठीक है, तो समाकलन के बाद, समाकलन के बाद, कलन के बाद, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो db net कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b net। ठीक, समझ में आ गया। अब ये हो जाएगा mu not i a बटा 4 pi गुने a स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर का घात 3/2। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और dl dl का जो समाकलन करेंगे तो वो l हो जाएगा। ठीक, और इसका जो हम लोग जो लिमिट रख देंगे वो जीरो से 2 पाई a, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, b net निकालेंगे, तो b net निकालेंगे तो सबसे पहले l के जगह पर 2 पाई a को रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, mu not i a गुने 2 पाई a, ठीक है, बटा 4 पाई a स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर का घात 3/2। ठीक है, और घटाओ जब ये एक एल के जगह पर शून्य रखेंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, शून्य के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सूत्र आ गया। तो सूत्र को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पाई से पाई कट गया, ये कट गया, टू हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो बी नेट के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे, बी नेट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई a गुने a a स्क्वायर, म्यू नॉट आई a स्क्वायर बटा 2 a स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर का घात 3/2। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, अब इसमें बहुत तरह तरह के जो है वो केसेस होते हैं, चलिए आइए उन केसेस को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला केस आता है, पहला केस आता है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला केस, तो सबसे पहला केस क्या होता है, केस वन। ठीक है, क्या हो केस वन, ठीक, केस वन मान लेते हैं कि यही ना था, ये एक हमारा वृत्त था, इसका एक केंद्र था। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, a थी, ये दूरी जो था वो x था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें जो धारा का प्रवाह था वो i के बराबर था, यही था, ये o बिंदु है। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो o बिंदु है केस वन। ठीक, समझ में आ गया, केस वन। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले केस वन में आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यदि क्या हो हमको कहां निकालना है, केंद्र पर, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर बी। तो हम लोग पहला केस क्या लिखेंगे, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, कुंडली कुंडली के केंद्र पर, के केंद्र पर। तो यहां पर ध्यान से समझना होगा, केंद्र पर। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, आइए हम लोग यहां से ओ बिंदु से जाते हैं पीछे। तो एक्स का मान घटेगा 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 घटेगा। जब हम केंद्र पर जाएंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, शून्य, क्योंकि एक्स से ही तो दूरी होती है। तो यहां पर इस केस में हम लोग एक्स का मान क्या करेंगे, शून्य, सूत्र वही रहेगा। तो सूत्र के लिए हम लोग को मिनट, हम लोगों ने जो निकाला हुआ है, मिनट हम लोगों ने कितना निकाला हुआ उसको ध्यान से देखिए, वो कितना है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर का घात 3/2। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक्स का मान क्या रखेंगे, शून्य के बराबर रख देंगे। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर एक्स का मान शून्य रख देते हैं। तो शून्य रखेंगे तो बी नेट बराबर जानते हैं कितना हो जाएगा, बी नेट यदि मानेंगे तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स का घात यहाँ पर शून्य करेंगे तो 2 गुने ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का घात शून्य तो शून्य का स्क्वायर हो जाएगा। तो शून्य का स्क्वायर शून्य होगा, तो शून्य और ए स्क्वायर जब आपस में मिलेंगे तो वो ए स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बच गया यहाँ पर और बट्टा 3/2। तो अब ये दोनों देखिए, घात का घात है तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बट्टा 2 ए, अब ये 2 × 3/2 को गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटा 2 a³। तो ए स्क्वायर से इसको काट देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 2 a, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमें हमें मिल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। कहाँ पर मिल जाएगा, केंद्र पर। ए क्या है, उसका त्रिज्या है, ठीक है, इसका त्रिज्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था तो ये हमें मालूम है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग दूसरे केस पर चलते हैं। तो जो हमारा दूसरा केस है, तो केस टू, ठीक है, समझ में आ गया। तो केस टू पर हम लोग चलते हैं, तो केस टू पर हम लोग चलते हैं तो उसको समझिए क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक्स, जो एक्स है उस बहुत ज्यादा हो जाए वृत्त के त्रिज्या से, ठीक है, मान लेते हैं ये जो एक्स है, ठीक है, एक्स जो है वो बहुत दूर है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा ये दूर है, एक्स जो है बहुत ज्यादा है किसने, इस वृत्त की त्रिज्या से, ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा। तो हम लोगों को पता है बी बराबर कितना होता है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटा 2 a² जोड़ एक्स स्क्वायर का घात 3/2। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं एक्स जो होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा किससे, ए से, ठीक है, एक्स बहुत ज्यादा हो गया ए से, ए स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बहुत छोटा है, ए छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे 0.1 का यदि हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, 0.01, ठीक, ये तो बहुत छोटा है तो इसका वर्ग और छोटा हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा है, एक्स बहुत बड़ा है, मान लेते हैं कि ये 10 लाख है, तो लाख का यदि वर्ग करेंगे 10^6 मान लेते हैं, ऐसे 10^12 हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा बहुत बड़ा मिलेगा तो बहुत बड़ा ही आएगा। 1 करोड़ में यदि 1 रुपया जोड़ देंगे तो उसको 1 ही करोड़ न मानेंगे अप्रोक्स। तो जो बी है उसको हम लोग लिखेंगे क्या, म्यू नॉट
आई ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में यहाँ पर एक्स ही स्क्वायर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का घात हम लोग ले लेंगे 3/2, क्योंकि ए इतना छोटा है एक्स स्क्वायर के सामने कि उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट कर दिया तो 2 से 2 ये कट जाएगा और यहाँ पर जो हमारा सूत्र आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटा 2x³ के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है केस नंबर 2। चलिए आइए अब हम केस 3 के बारे में बात करें। तो केस जो हमारा 3 है, क्या हो यदि x का मान यानी केंद्र से यहाँ की दूरी x और a दोनों के दोनों समान हो, वृत्त का त्रिज्या और जिस बिंदु पर निकालना है वो x का दूरी, x और a क्या हो, समान हो, क्या हो। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखेंगे, हमको पता है सूत्र में, सूत्र तो आप लोगों के सामने दिया हुआ है, b बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, म्यू नॉट आई गुने ए स्क्वायर, यही ना है, बट्टा 2a² जोड़ एक्स स्क्वायर का घात 3/2, यही तो हमारे सामने दिया गया। हम लोग अब करेंगे क्या, करना कुछ नहीं है, a की जगह पर हम लोग x को प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग a की जगह x को प्लेस कर देंगे, चाहे आप x की जगह पर a को प्लेस कर दें, तो यहाँ पर प्लेस कर दिया, यहाँ पर दोनों तो बराबर ही है। तो यहाँ पर जब हम लोग प्लेस करेंगे तो b बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटा 2a² जोड़ x, x भी किसके बराबर है, a के बराबर है, तो a ए स्क्वायर का घात 3/2, कोई दिक्कत ही बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बट्टा 2a² जोड़ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a² का घात 3/2। अब एक हाथ का घात है तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा, गुना होने के वजह से ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब दोनों ये कट गया तो क्या आ गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बट्टा 2 गुने ये क्या है, 2a³ हो गया, 2a² कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कैसे 2a³ मतलब क्या, 2a × 2a × 2a, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 8a³, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ए स्क्वायर से ए क्यूब को कटाएंगे तो a बचेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, म्यू नॉट आई बटा 16a, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोगों ने बड़ी आराम से समझ लिया। अब एक और केस हम लोग, चौथा केस हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए चौथा केस जो है हमारा केस 4, उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। इसमें आपको देखना होगा एक्स की जगह पर ए बाई टू आप रखिए, ठीक है, समझ में आ जी, ये आपके लिए होमवर्क होगा, खुद से आप इसे करिएगा, आज बस इतना है।